नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज का यह वीडियो हमारा उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड है और इस वीडियो में हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड में कौन क्या है ये वीडियो अपडेटेड है अप्रैल 2022 तक तो इस वीडियो में जो भी डेटा है वो अभी तक का अपडेटेड डेटा है इससे पहले वाली अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो उसमें से बहुत सारी जो है क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गए हैं तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है जो हमने चार पाँच मंथ पहले अपलोड की थी वो अगर आपने देखी है तो इसको भी आप जरूर देखिए क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है चेंज हो गया है ठीक है तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है उत्तराखंड में कौन क्या है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुरमीत सिंह गुरमीत सिंह उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं तो देखिए ये हैं उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह और ये 2021 में उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे अगर क्रम वाइज़ बात की जाए तो उत्तराखंड के ये आठवें क्रम के राज्यपाल हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि उत्तराखंड के आठवें राज्यपाल कौन बने या उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है तो वो हैं गुरमीत सिंह अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला याद रखिएगा सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे दूसरे राज्यपाल कौन थे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पहला ना पूछ के दूसरा पूछ लिया जाता है तो उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल इसके बाद देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो ये थी मार्गरेट अल्वा ठीक है अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के राज्यपालों की क्रम वाइज लिस्ट दी गई है पहले सुरजीत सिंह बंदाला दूसरे सुदर्शन अग्रवाल तीसरे बी एल जोशी चौथे मार्गरेट अल्वा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है और पहले और दूसरे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसके बाद अजीत कुरेसी इसके बाद छठे नंबर के थे कृष्णकांत पॉल सातवीं राज्यपाल जो थी बेबी रानी मौर्य अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी तो वो थी बेबी रानी मौर्य और वर्तमान कौन है गुरमीत सिंह वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं अब राज्यपाल से संबंधित कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन देख लेते हैं तो अगर राज्यपाल की बात कर तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक से लेकर एक तक राज्य की कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है और राज्य की कार्यपालिका किसमें निहित तो होती है यह होती है राज्यपाल में मतलब कि जो कार्यपालिका का हेड होता है वो कौन होता है राज्यपाल होता है अब कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं राज्यपाल से संबंधित तो अनुच्छेद एक के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा ठीक है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद जो है एक नहीं है इसलिए जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कई लोग कमेंट कर रहे थे कि एक अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद एक नहीं है एक के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा लेकिन सातवां संविधान संशोधन होता है 1956 में और इसके बाद क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है आप देखते हो कई बार जैसे अभी भगत सिंह कोश्यारी गोवा और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं तो दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी एक ही व्यक्ति हो सकता है इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है अनुच्छेद एक सौ अनुच्छेद बहुत बार पूछा जाता है इसके तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो अनुच्छेद है वो है 155 और किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा एक राज्यपाल बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए तो 35 वर्ष की आयु आपने पूरी की होनी चाहिए ठीक है 35 वर्ष एज जो है राज्यपाल के लिए होती है इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट वो है वन सिक्सटी वन इसके तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है तो यह है अनुच्छेद वन सिक्स वन और यही क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद बहत्तर के तहत जो है राष्ट्रपति को प्रदान है क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम पूछा गया है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास जो है शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की लेकिन अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो ठीक है तो अनुच्छेद 213 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है याद कीजिए याद कर लीजिएगा कि राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद दो के, के तहत है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए 2022 में और उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है वो है पुष्कर सिंह धामी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है आइए जान लेते हैं इनके बारे में तो पुष्कर सिंह धामी ये हैं ये दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के बारहवें क्रम के मुख्यमंत्री हैं देखिए इससे पहले भी जो है ग्यारहवें क्रम के मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी अंतिम के छह महीनों में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था लास्ट ईयर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उनको हटाया गया उसके बाद तीरथ सिंह रावत को बनाया गया फिर उनको हटाया गया फिर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया फिर इलेक्शन हुए फिर पुष्कर सिंह धामी फिर से जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बारहवें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने दो में शपथ ली इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था खटीमा उधम सिंह नगर लेकिन यहाँ से चुनाव हार गए थे कांग्रेस के भुपन कापड़ी से और अब जो है ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 सिक्सटी फोर क्लॉज फोर कहता है कि आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है छः महीने के भीतर अब उत्तराखंड में विधान परिषद तो है नहीं तो उत्तराखंड में है विधानसभा तो छः महीने के भीतर इनको उपचुनाव के जरिए विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा तो ही ये अपना कार्यकाल कंटिन्यू कर पाएंगे इसके बाद देखिए उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है तो नित्यानंद स्वामी जो हैं उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे जब उत्तराखंड का गठन हुआ था लेकिन अगर पूछा जाए उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री अब निर्वाचित का मतलब कि ये नित्यानंद स्वामी जो थे ये अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री थे लेकिन जब उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा चुनाव होते हैं 2002 में तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं नारायण दत्त तिवारी एनडी तिवारी और ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण किया था मतलब कि पाँच साल पूर्ण किए थे अपने कार्यकाल के 2002 से लेकर के 2007 तक बाकी कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक जो है अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए है और एक और क्वेश्चन जो है आपके लिए करंट अफेयर का भी है सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन बने तो सबसे कम कार्यकाल वाले कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत ये जो है मात्र 114 दिन तक ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे तो ये भी आपको याद रखना है अब देखिए मुख्यमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है तो एक अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अनुच्छेद एक के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और साथ ही साथ जो अन्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको भी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की, की सलाह पर ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है और उत्तराखंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं सत्तर उत्तराखंड में विधानसभा सीटें हैं और उत्तराखंड में कितने कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं तो उत्तराखंड में बारह कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं विधानसभा सीटों के 15 प्रतिशत ही कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं और इसे भारतीय संविधान में कब से जोड़ा गया तो इक्यानवेवा संविधान संशोधन दो हजार तीन में होता उसमें जोड़ा गया कि राज्य विधानसभा और या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है पंद्रह प्रतिशत सदस्य ही कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं तो ये आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला प्रश्न हमारा उत्तराखंड राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है यानी कि डीजीपी कौन है वर्तमान में तो उत्तराखंड के वर्तमान में डीजीपी हैं अशोक कुमार ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है इनके बारे में जान लेते हैं अशोक कुमार उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक हैं यानी कि डीजीपी हैं इन्होंने देखिए किसका स्थान लिया था हाल ही में इन्होंने लिया था अनिल कुमार रतोड़ी का स्थान इससे पहले कौन थे अनिल कुमार रतोड़ी उत्तराखंड के डीजीपी थे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे तो ये थे अशोक कांत शरण ठीक है अशोक कांत सरण जो है उत्तराखंड के पहले पुलिस महानद्यक थे इसके बाद देखिए पूर्व इससे पूर्व कौन थे इससे पूर्व थे अनिल कुमार रतूड़ी अभी वर्तमान कौन है अशोक कुमार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनको आप याद कर लीजिएगा ये हैं अशोक कुमार अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं अच्छा एक आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड उत्तराखंड पुलिस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा मई दो में एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम है मिशन हौसला याद कर लीजिए कब इसको शुरू किया गया मई दो में और ये किसके लिए था कोविड पेशेंट के लिए कोविड पेशेंट के लिए वेंटिलेटर दवाइयाँ आदि उपलब्ध कराने के लिए ये जो है मिशन चलाया गया था जिसका नाम है मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस ने ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की थी देहरादून में की थी कब की थी 2021 में ही कोविड पीरियड के टाइम पे यह शुरुआत की, की गई थी ऑटो एम्बुलेंस की नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है गौरा शक्ति मोबाइल ऐप गौरा शक्ति मोबाइल ऐप का संबंध किस से है तो पूछा जाए एग्जाम में तो आपका आंसर होगा महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है इसके बाद देखिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की भी शुरुआत की थी उत्तराखंड का पहला बाल थाना 22 जनवरी 2021 को देहरादून में खोला गया ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल्द्वानी कोतवाली को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया था 2021 में 2020 के कार्यों के लिए 2021 में हल्द्वानी कोतवाली को जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया था उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है 2021 में खोला गया था और ये खोला गया था रुद्रपुर में ठीक है रुद्रपुर कहाँ है उधम सिंह नगर में है यहाँ पर जो है उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊँ का पहला साइबर थाना दो में खोला गया अब उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया तो पहला साइबर थाना खोला गया देहरादून में 2015 में तो ये भी आपको याद रखना है और उत्तराखंड पुलिस ने ही साइबर अपराधों को निपटाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की थी जो नंबर है 155260 तो ये भी आपको याद कर लेना है इतने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है क्वेश्चन पूछा गया आपसे उत्तराखंड के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राघवेंद्र सिंह चौहान राघवेंद्र सिंह चौहान जो है वर्तमान में उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं ये है उनकी फोटो एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है 2021 में ही राघवेंद्र सिंह चौहान भी अपॉइंट हुए थे और साथ ही साथ न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया गुहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए थे ये वर्तमान में भी गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस हैं और ये उत्तराखंड से संबंधित हैं ठीक है मूल रूप से उत्तराखंड से हैं तो इसलिए आपको ये भी याद कर लेना है अब देखिए कुछ क्वेश्चन याद कर लीजिएगा उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो अशोक ए देसाई ए ए देसाई उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वर्तमान में जिस भवन में उत्तराखंड हाईकोर्ट है उसका निर्माण कार्य जो है 1897 में प्रारंभ हुआ था और ये बनकर तैयार होता उन्नीस सौ ईस्वी में इस बिल्डिंग का डिजाइन किसने तैयार किया था इसका निर्माण किसने किया था मैकडोनल्ड ने इसका निर्माण किया था यह भी आपको याद रखना है गौतिक शैली में यह निर्मित किया गया है बना हुआ है और वर्तमान में जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है इसकी स्थापना कब होती है तो 9 नौ नवंबर 2000 को उत्तराखंड गठन के साथ ही इसकी स्थापना भी होती है उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघविंद्र सिंह चौहान ने सोलह सितंबर दो को ई सेवा केंद्र की शुरुआत की थी ई सेवा केंद्र मतलब की जो आपके पेंडिंग काम है उन सभी को ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और आप अपने केस को ट्रैक भी कर पाओगे इसके माध्यम से ठीक है और पहला ई सेवा केंद्र जो है आपका हाईकोर्ट परिसर में खोला गया था लेकिन अगर कोई जिले में आपसे पूछा जाए तो पहला ई सेवा केंद्र अल्मोड़ा में खोला गया जो अल्मोड़ा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर आगे देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक जो है राज्य न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो अनुच्छेद 216 के तहत अनुच्छेद 217 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा एक और अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है आपके लिए अनुच्छेद इकतीस इसके तहत जो है एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है जैसे आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट है नॉर्थ ईस्ट का एक ही हाईकोर्ट है सभी राज्यों के लिए तो ये जो है अनुच्छेद 231 के तहत है एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है नेक्स्ट देखिए वर्तमान भारत में ट्वेंटी फाइव हाईकोर्ट है और लेटेस्ट जो हाईकोर्ट है वो है आंध्र प्रदेश का एक जनवरी 2019 को ये बना था अमरावती हाईकोर्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है तो उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडोरी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है इसके बारे में जान लेते हैं तो ये है ऋतु खंडूरी क्योंकि हाल ही में ही उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष बनी है और ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं ये भी आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है तो ये भी ऋतु खंडूरी है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत ये अंतरिम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष बने थे लेकिन अगर आपसे उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए जो कि पहले पूछा भी गया है तो ये है यशपाल आर्य ठीक है 2002 में जब पहली विधानसभा गठित हुई थी तो पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे निर्वाचित यशपाल आर्य इससे पहले कौन थे जब इससे पहली विधानसभा थी उसमें प्रेमचंद अग्रवाल जो है विधानसभा अध्यक्ष थे वर्तमान में कौन है रितु खंडूरी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है जो पांचवी विधानसभा है और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी कौन है रितु खंडूरी है कोटद्वार से विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बी खंडूरी की बेटी है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित जो आर्टिकल है वह है अनुच्छेद वन ये यह भी आपको याद रखना है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान महाअधिवक्ता कौन है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सूर्य नारायण बाबुलकर एस एन बाबुलकर जो है उत्तराखंड के वर्तमान में महाअधिवक्ता है तो ये हैं एस एन बाबुलकर और अगर बात करें उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे तो ये थे ललिता प्रसाद नेथानी ठीक है अब आप कहोगे कि मेहरबान सिंह नेगी हमने पढ़ा था परीक्षावाणी में अदर बुक में कई बुक में आपको एल पी नेथानी ने मिलेगा कई बुक में आपको मेहरबान सिंह नेगी मिलेगा ने ने लेकिन इसका सही आंसर है एल पी नेथानी ने ने। दूसरे महाधिवक्ता कौन थे तो दूसरे महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी अकॉर्डिंग टू परीक्षावाणी मेहरबान सिंह नेगी जो है पहले महाधिवक्ता थे तो ये दोनों आप याद कर लीजिएगा महाधिवक्ता से संबंधित भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है वो है 165। 165 के तहत ही राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा और राज्य का ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन महाधिवक्ता और इसका जो कार्यकाल होता है वो कोई निश्चित नहीं होता है अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि महाधिवक्ता का, का कार्यकाल कितना होता है पाँच वर्ष से चार वर्ष से छः वर्ष तो आपका जो आंसर होगा वो होता है कोई निश्चित इसका कार्यकाल नहीं होता है ठीक है इसको राज्यपाल कभी भी अपने पद से हटा सकता है और महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर क्षमता रखता है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं सुखबीर सिंह संधू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए 2021 में ही सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव इससे पहले थे ओम प्रकाश ओम प्रकाश की जगह सुखबीर सिंह संधू और उत्तराखण्ड कैडर के आई ए एस अधिकारी हैं और उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव की अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह ठीक है मुख्य सचिव क्या होता है तो मुख्य सचिव सचिव का भी सचिव होता है ठीक है जितने भी आई आते हैं डीएम सचिव ये सब जो मुख्य सचिव का प्रशासनिक वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसेंट में करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है तो इसका सही जवाब है अनिल चंद पुनेठा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है अनिल चंद पुनेठा जो है हाल ही में ही जेपी मंगई के स्थान पर राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं अब देखिए 2021 में शत्रुघ्न सिंह मुख्य सूचना आयुक्त थे इन्होंने इन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया था उसके बाद कार्यकारी यानी कि एक्टिंग सूचना आयुक्त बनाया गया था जेपी पी ममगई को लेकिन अभी जो है नियुक्त हुए हैं रिसेंट में ही अनिल चंद्र पुणिठा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त इस बार जो है मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ दो सूचना आयुक्त भी बनाए गए हैं एक है विवेक शर्मा दूसरे हैं विपिन चंद्र ये भी आपको याद करना है उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा तीन अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन होता है बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो इस प्रश्न का सही जवाब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उत्तराखंड राज्य के वो हैं चंद्रशेखर भट्ट ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है तो ये हैं चंद्रशेखर भट्ट और उत्तराखंड राज्य के निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका गठन होता है 30 जुलाई 2001 को इसका मुख्यालय स्थित है देहरादून में राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो ये थे दुर्गेश जोशी ठीक है राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है उसका कार्य क्या होता है कौन से इलेक्शन कराता है तो राज्य का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन होता है उसका कार्य पंचायत चुनाव कराना होता है ठीक नेक्स है नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंदू कुमार पांडे इंदू कुमार पांडे वर्तमान में राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ठीक है पहले कौन थे तो पहले थे आर के धर और पांचवें वित्त आयोग की बात करें तो पांचवें वित्त आयोग के हैं इंदू कुमार पांडे जो कि वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में रजिस्ट्रार कौन है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धनंजय चतुर्वेदी धनंजय चतुर्वेदी जो हैं उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में रजिस्ट्रार हैं 2020 दिसंबर में अपॉइंट हुए थे हीरा सिंह बोनल का इन्होंने स्थान लिया था और अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के पहले रजिस्ट्रार कौन थे हाईकोर्ट में तो वो थे जी रावत ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है तो उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं विजय कुमार बिस्ट ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है इससे पहले जगदीश भल्ला इसके अध्यक्ष थे और अब जो है विजय कुमार बिस्ट इसके अध्यक्ष बन चुके हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है तो इनिशियली इसका गठन होता है उन्नीस जुलाई दो को लेकिन वास्तविक रूप से एग्जिस्टेंस में आता है 13 मई 2013 को दोनों डेट आप याद कर लीजिए 2011 में इसकी स्थापना तो हो जाती है लेकिन इसका कोई अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है 13 मई 2013 को पहले इसके अध्यक्ष बनते हैं विजेंद्र जैन अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में मानव अधिकार आयोग का गठन कब होता है तो देखिए दोनों ऑप्शन में से अगर कोई भी हो तो आप टिक कर देना अगर दोनों हो तो इसका सही जवाब होगा दो अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये इसका सही जवाब होगा तेरह मई दो ठीक है और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं पहले वह बनते हैं विजेंद्र जैन अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर उन्नीस को और 10 दिसंबर को हर साल विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आर के जैन ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना स्थापन होती है 27 मई 2003 को ठीक है अल्पसंख्यक आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों की स्थापना होती है 27 मई 2003 को और ये अपना कार्य प्रारंभ करते हैं 29 नौ 2003 से इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में मैंने अभी आपको बताया इसके अध्यक्ष हैं आर के जैन आर के जैन जो है अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसमें एक अध्यक्ष अध्यक्ष के साथ साथ दो उपाध्यक्ष और नौ सदस्य होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, है उत्तराखंड के वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं उत्तराखंड के वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल कुसुम कंडवाल जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की इससे पहले कौन थी इससे पहले थी विजया बर्थवाल हाल ही में ही अपॉइंट हुई हैं कुसुम कंडवाल इनको जो है राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है अगर पहला पूछा जाए प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी तो वो थी संतोष चौहान ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग के अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर ए पुष्कर सिंह धामी इसके अध्यक्ष हमेशा जो है राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं इसलिए पुष्कर सिंह धामी इसके अध्यक्ष हैं और अगस्त दो में इसकी स्थापना होती है उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग की और अध्यक्ष इसके है हैं पुष्कर सिंह धामी उपाध्यक्ष हैं एस एस नेगी ये भी आपको याद करना है नेक्स्ट है उत्तराखंड के वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो हाल ही में ही नए अपॉइंट हुए हैं राकेश कुमार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है 15 मई 2001 को हरिद्वार में इसका मुख्यालय स्थित है राकेश कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं इससे पहले कौन थे इससे पहले थे आनंद सिंह रावत आनंद सिंह रावत का स्थान लिया है राकेश कुमार ने और प्रथम कौन थे प्रथम थे एन नवानी ठीक है दो में प्रथम अध्यक्ष बने थे एन नवानी नेक्स्ट है उत्तराखंड में वर्तमान यूके त्रिपल सी के अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में यूके त्रिपल अध्यक्ष कौन है तो ये है एस राजू ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है ध्यान दीजिए हमने हम पर बात की अध्यक्ष की अध्यक्ष हैं एस राजू अगर सचिव आपसे पूछा जाए तो सचिव है संतोष बड़ोनी ठीक है यूके यूकी त्रिपलसी की स्थापना कब ये जो आयोग होता है इसका गठन होता है सत्रह सितंबर दो को ठीक है सत्रह सितंबर सत्रह सितंबर यानी कि मोदी जी का बर्थडे ठीक है तो मोदी जी के बर्थडे के दिन ही इसकी स्थापना सत्रह सितंबर दो हजार चौदह को इसका मुख्यालय स्थित है देहरादून में और यूके पी का मुख्यालय स्थित है हरिद्वार में अगला प्रश्न है उत्तराखंड के वर्तमान में कुमाऊ कमिश्नर कौन है तो वर्तमान में कुमाऊ कमिश्नर हैं दीपक रावत ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है आई दीपक रावत जो है वर्तमान में कुमाऊ कमिश्नर हैं और ये जो है छियालीसवें क्रम के कुमाऊ कमिश्नर बने हैं प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे तो वे थे ई गार्डनर ठीक है 1815 में पहले कुमाऊं कमिश्नर बने थे ई e गार्डनर और ब्रिटिश काल में टोटल 23 कुमाऊं कमिश्नर बने उसके बाद पहले जो भारतीय कुमाऊँ कमिश्नर बने थे वो थे के एल मेहता और अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन था वो था डब्ल्यू फिल्ले उन्नीस से लेकर सैंतालीस तक तो ये भी आपको याद रखना है अगला प्रश्न है वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर कौन है तो इस प्रश्न का सही जवाब है वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर हैं सुशील कुमार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है देखिए सुशील कुमार जो थे पहले कुमाऊं कमिश्नर थे इसके बाद इनको गढ़वाल कमिश्नर बना दिया गया और कुमाऊं कमिश्नर वर्तमान में है दीपक रावत तो इसका सही जवाब था सुशील कुमार वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गढ़वाल कमिश्नरी कब सर्जित हुई ठीक है कब बनी गढ़वाल कमिश्नरी आपको ये बताना है नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान सचिव कौन है तो इसका सही जवाब है महिम वर्मा ऑप्शन नंबर सी ये वर्तमान में सचिव हैं उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो इसका नाम है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ठीक है और कोच वर्तमान में कौन है उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मनीष झा फॉर्मेशन हुआ था इसका 2006 में प्रेसिडेंट कौन है जोत सिंह अनसूला और सेक्रेटरी यानी कि सचिव है महिम वर्मा ये एग्जाम में यूके पी के पूछा गया है पहले क्वेश्चन कि महिम वर्मा का संबंध किससे है नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है तो इस प्रश्न का सही जवाब है बीपी पांडे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है बीपी पांडे वर्तमान में उत्तराखंड राज्य विद्युत नियमक आयोग के अध्यक्ष हैं बीपी पांडे यानी कि भगवती प्रसाद पांडे ठीक है और इनका कार्यकाल जो है पाँच साल या पैंसठ वर्ष जो भी पहले हो तक का है नेक्स्ट है उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर डी अनिल कुमार रतूड़ी अनिल कुमार रोतौड़ी पहले उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक थी और अब जो है इनको उत्तराखंड सेवक का अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष कौन है तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष हैं महावीर सिंह रांगड़ ठीक है जी एम की हम बात कर रहे हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम जिसकी स्थापना होती है 1976 में इसके अध्यक्ष कौन है महावीर सिंह रांगड़ ठीक है स्थापना 31 मार्च 1976। नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष कौन है तो कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष हैं केदार जोशी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है और इसकी भी स्थापना होती है 31 मार्च 1976 को ठीक है कुमाऊं मंडल विकास निगम गढ़वाल मंडल विकास निगम दोनों की स्थापना 31 मार्च 1976 को एक और याद कर लीजिए राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं धर्मवीर शर्मा और एंग्लो इंडियन सदस्य जो अभी तक थे आप इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा अभी तक जो थे जॉर्ज आइविन ग्रेगरी थे लेकिन 2019 में संशोधन किया गया संविधान में और इस पद को जो है इस सदस्यता को इसको समाप्त कर दिया गया है तो अब से कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य नामित नहीं किया जाएगा तो ये वीडियो थी उत्तराखंड में कौन क्या है अप्रैल 2022 तक ये अपडेटेड वीडियो है इसमें जो सारे क्वेश्चन के आंसर है ऑथेंटिक है सारे हमने प्रॉपर जो वेबसाइट से सर्च करके ली गई है जानकारी जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी तो ये है इस वीडियो का एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल